पीजी या एसएसकेएम जो चाहे आप बोल सकते हैं। यहाँ से भी आप गगनेंद्र प्रदर्शनशाला में जा सकते हैं। ये एक्साइट मोड़ है और मेट्रो से आएंगे तो यहाँ पर आप रविंद्र सदन उतरना पड़ेगा। बस से आएंगे तो सियालदह से आप बस पकड़ कर आप यहाँ पर भी उतर सकते हैं एक साइड में, या आप पीजी या एसएसकेएम जो हैं जगह मैंने दिखाया है वहाँ पर भी आप उतर सकते हैं। उतरने के बाद गगनेंद्र प्रदर्शनशाला या एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स दोनों में ही आप जा सकते हैं। देखिए यहाँ पर आपको जूम करके दिखाएंगे रविंद्र सदन। आप जब दमदम से मेट्रो पकड़ेंगे यहाँ पर आपको उतरना पड़ेगा। यहाँ पर उतरने के बाद आप देखिए वहाँ पर जो बस जा रहा है उस साइड में आप हम सीधा जाएंगे। उस साइड में ही देखिए हम जा रहे हैं, उस साइड में ही गगनेंद्र प्रदर्शनशाला पड़ेगा। और सीधा जाएंगे तो एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स जा पाएंगे। देखिए यहाँ पर गैलरी का जो एग्जीबिशन होता है वहाँ पर घुसने का जगह है, और यहाँ पर आप जो उसका ऑफिस है उस साइड से आप जा सकते हैं, या इस साइड से भी आप जा सकते हैं। इसका ऑफिस पीछे है थर्ड फ्लोर में। आप देखिए वो आपको वहाँ से लिफ्ट या सीढ़ी मिलेगा, वहाँ से ऊपर जाना पड़ेगा। देखिए हम जा रहे हैं पीछे पीछे में, इतना ज़्यादा खूबसूरत जगह है। सब आते हैं, बातें करते हैं, बैठते हैं। देखिए वहाँ पर पीछे है यह जो है यहाँ पर ऑफिस है गगन प्रदर्शनशाला में। और इसका और एक है जो इसका एनुअल एग्जीबिशन भी होता है, सिर्फ जो वेस्ट बंगाल में रहता है उसका ही इसको इस एनुअल एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। देखिए यह पर जब जा रही है, ये नज़दीक में नंदन है जो कलकत्ता फिल्म फेस्टिवल होता है, यह पर ही होता है कलकत्ता फिल्म फेस्टिवल। देखिए जा रहा है, और गगनेंद्र प्रदर्शनशाला में ये वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का है, ये सरकारी है वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का। तो यहाँ पर तो मैंने पहले ही बता चुके हैं जो वेस्ट बंगाल में रहते हैं वही एनुअल एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। देखिए ये नंदन है, सामने स्कल्पचर है, आप जब यहाँ पर आएंगे बहुत सारे स्कल्पचर देख सकते हैं। कुछ ना कुछ प्रोग्राम यहाँ पर होते ही रहता है, संगीत में कुछ प्रोग्राम होता है या एग्जीबिशन होता है पेंटिंग का। यहाँ पर जो जो है सामने देखिए जो खाली है, कुछ देर पहले वहाँ पर आर्ट मेला भी हुआ था। देखिए यहाँ पर और भी स्कल्पचर है, कितना अच्छा स्कल्पचर है। देखिए और भी है, वुड क्राफ्ट भी है, बहुत सारे हैं। और एक बात है, जब एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स जाएंगे आप चाहे इस साइड में भी जा सकते हैं, इस साइड से पूरा सीधा जाएंगे। देखिए इस साइड से अब जब पूरा सीधा जाएंगे, पूरा ख़त्म होगा उसके बाद एक गेट है, उस गेट से बाहर निकलने के बाद आप एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स मैंने पहुंच जाएंगे, ठीक है। और एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स के बारे में कैसे जाना है और क्या क्या होता है वो दूसरा वीडियो में आपको बताएंगे। इस वीडियो में बताएंगे तो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकॉन को दबा देना ताकि आपको मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।